दोस्तों टीएन सेशन जो भारत के 10वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उनका नाम सुनकर आज भी 90 के दशक के सक्रिय नेता कांप जाते हैं। सेशन से पहले इलेक्शन कमीशन को सरकार की पूंछ समझा जाता था, लेकिन सेशन ने इलेक्शन कमीशन को भारतीय राजनीति के सेंटर पर लाकर खड़ा कर दिया और ये पूंछ कई लोगों के लिए गले की रस्सी बन गई। सेशन का बहुत ही शानदार जुमला था कि मैं सुबह के नाश्ते में नेता खाता हूँ। सेशन किसी प्रधानमंत्री से नहीं डरते थे। लोग सेशन के बारे में याद करते हुए उस दिन को भी याद करते हैं जब बिस्किट खाते हुए राजीव गांधी के हाथ से उन्होंने बिस्किट छीन लिया था। उनके कई नेताओं से झगड़े रहे, लेकिन सेशन ने अपना काम करना कभी नहीं छोड़ा और आज हम इन्हीं टीएन सेशन से जुड़ी कहानियां आपके सामने साझा करना चाहते हैं, तो बस बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। टीएन सेशन वैसे तो एक आईएएस अफसर के तौर पर कई पदों पर रहे, लेकिन वो मशहूर तब हुए जब हार्वर्ड में उनके प्रोफेसर रहे सुब्रमण्यम स्वामी कमर्शियल मिनिस्टर बने और उनके सुझाव पर प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने सेशन को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया। सेशन की राजीव गांधी से अच्छी दोस्ती थी और राजीव अच्छी तरह से जानते थे कि सेशन किस तरह के आदमी है, इसीलिए इस नियुक्ति पर उन्होंने सेशन से मजाक में भी कहा था कि वो दाढ़ी वाला नहीं जानता कि उसने कितनी बड़ी भूल कर दी है, वो रोज अब इस दिन को कोसेगा। सेशन एक नो नॉनसेंस स्टाइल में काम करने वाले कमिश्नर थे। सेशन ने कई बार एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके आने से पहले इलेक्शन कमीशन की औकात थी कि उनसे पहले कमिश्नर रहे आदमी को सरकार को 30 रुपए की किताब मंगवाने के लिए भी खत लिखकर परमिशन लेनी पड़ी थी। घंटों घंटों इलेक्शन कमिश्नर को कानून मंत्री के दफ्तर के बाहर बिठाकर मिलने के लिए इंतजार करवाया जाता था। जब सेशन सरकार में कैबिनेट सेक्रेटरी थे तब खुद उन्हें प्रधानमंत्री ने कहा था कि वो उस वक्त के कमिश्नर को बता दें कि सरकार चुनाव के लिए तैयार है और वो चाहते हैं कि इस दिन चुनाव करवाया जाए। सेशन ने उस वक्त भी प्रधानमंत्री को समझाया था कि तारीख बताना सरकार का काम नहीं है। खैर तब तो सेशन कैबिनेट सेक्रेटरी थे, जब वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने तब तो उन्होंने किसी की नहीं चलने दी। सेशन ने 2 अगस्त 1993 को एक 17 पेज का ऑर्डर जारी किया जिसमें सेशन की ये मांग थी कि सरकार इलेक्शन कमीशन की पावर्स को मान्यता दे और जब तक सरकार ऐसा नहीं करती है तब तक वो देश में कोई चुनाव नहीं होने देंगे, और ऐसा हुआ भी। सेशन ने बंगाल में राज्यसभा चुनाव नहीं होने दिए और इस कारण प्रणब मुखर्जी को उस वक्त अपने कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। सेशन ने 1991 में भी एक बार पंजाब में चुनाव रद्द करा दिए थे क्योंकि वहाँ उन्हें गड़बड़ी की खबर मिली थी। सेशन रूल बुक के इतने पक्के थे कि जब मध्य प्रदेश के गवर्नर अपने बेटे के चुनाव प्रचार के लिए गए तो उन्होंने सीट पर चुनाव ही रद्द करवा दिया। इसके बाद उस गवर्नर को अपने पद से इस्तीफा तक देना पड़ा। सेशन इसके अलावा भारत की पॉलिटिक्स में कई चेंजेस लेकर आए। उन्होंने बूथ कैप्चरिंग पर रोक लगाई और 1991 से 1993 के बीच बूथ कैप्चरिंग की घटनाओं में 75% तक की कमी आ गई थी। इसके अलावा सेशन ने ये रूल भी बनाया कि चुनाव में लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने से पहले लिखित में अनुमति लेना जरूरी है। सेशन के रहते हुए इलेक्शन से गुंडागर्दी गायब होने लगी थी। अकेले यूपी चुनाव में उन्होंने 80,000 से ज्यादा हाथियों को सीज करवा लिया था। सेशन ही वो इंसान थे जिन्होंने भारत में पहली बार अलग अलग फेजेस में चुनाव कराए। लेकिन सेशन का जो सबसे बड़ा इलेक्ट्रल रिफॉर्म था वो था वोटर आईडी कार्ड। जब उस वक्त जाली वोटिंग बहुत आम थी और कोई भी किसी के भी नाम पर वोट दे आता था, सेशन ने इसके लिए फोटो वाले वोटर आईडी कार्ड्स के प्रस्ताव आगे रखा, लेकिन तब की सरकार ने उन्हें ये कहकर खारिज कर दिया कि सभी के फोटो वाले वोटर कार्ड्स बनवाने में बहुत खर्चा आएगा। सेशन ने भी अपने ही अंदाज में सरकार को फिर से चेतावनी दी थी कि अगर वोटर कार्ड्स नहीं बने तो वो चुनाव ही नहीं करवाएंगे और फिर सरकार को उनके आगे झुकना पड़ा। इसके अलावा सेशन ने इलेक्शन में हो रहे खर्च को भी ध्यान से मॉनिटर करवाना शुरू किया और जेल काट कर आए नेताओं या फिर कोई केस झेल रहे नेताओं के ब्यौरे को भी उन्होंने डिटेल में इलेक्शन कमीशन को सबमिट करने के लिए कहा। आपको बता दें कि आज के समय में अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड का ब्यौरा चुनाव आयोग को देना अनिवार्य है, लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं था। जो सेशन उस वक्त कर रहे थे उसे 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने एक लॉ बनाया था। वापस उस प्रसंग पर आते हैं जब सेशन ने वो 17 पेज का ऑर्डर जारी किया था और राज्यसभा में चुनाव नहीं होने दिए थे। इस पर उन्हें काफी तीखी प्रतिक्रिया मिली थी और पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने तो ये तक कह दिया था कि सेशन ने लोकतंत्र को जेल में बंद कर दिया है। सेशन के रवैये को देखकर नरसिम्हा राव के कहने पर राष्ट्रपति ने उस वक्त इलेक्शन कमीशन में जीवीएस कृष्णमूर्ति और एमएस गिल के रूप में 2 और कमिश्नर तैनात कर दिए थे। जब ये किया गया तब सेशन दिल्ली में नहीं थे और जब वो पुणे से दिल्ली लौटे तो उन्हें खबर दी गई तो वो जैसे आग बबूला हो गए। उन्होंने कभी इन 2 कमिश्नर्स के साथ काम नहीं किया।
इनके आते ही पहले तो सेशन ने इन्हें काम करने के लिए ऑफिस नहीं दिया, और फिर ऑफिस दिया तो बार बार वो इन दोनों का ऑफिस बदलवा देते थे। सेशन की नाराजगी इन लोगों से इतनी ज्यादा थी कि जब सेशन एक बार अमेरिका गए थे तब अपना चार्ज इन दोनों में से किसी एक को देने के बजाय उन्होंने डिप्टी कमिश्नर टीएस बागा को दे दिया। इस बात पर भी बहुत बवाल उठा। राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंटेड दो कमिश्नर खाली बैठे थे और औंधे में उनके जूनियर को सेशन चार्ज थमाकर चले गए थे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की बात जाकर एमएस गिल को सेशन तक लौटने का चार्ज दिया गया। सेशन को सरकार का किसी भी तरह का दखल इलेक्शन कमीशन में बर्दाश्त नहीं था। एक बार उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा था कि मैं जब इलेक्शन कमीशन की फाइल देखता हूँ तो उन पर इलेक्शन कमीशन के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होता है। सेशन कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि लोग ये समझ लें कि इलेक्शन कमीशन भारत सरकार का हिस्सा नहीं है, वो उससे पूरी तरह से स्वतंत्र है। सेशन एक मुंहफट इंसान थे और वो अफसरों को डांटने से भी नहीं बचते थे। उन्हें किसी भी तरह की ढील और मक्कारी बर्दाश्त नहीं थी। एक बार उन्होंने प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को खत लिखकर कहा था कि वो अपने दो कैबिनेट मंत्री सीताराम केसरी और कालभनाथ राय को तुरंत ही डिसमिस कर दें, क्योंकि उन्हें उनके खिलाफ चुनाव में धांधली और वोटर्स को मिसगाइड करने की शिकायत मिली है। प्रधानमंत्री ने इस पर कुछ नहीं किया, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर का इस तरह सीधे तौर पर दो नेताओं के खिलाफ बोलना बहुत नया था और आज भी ऐसा नहीं देखा जाता है। सेशन 1990 से 1996 तक भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे, जिसके बाद उन्हें रिटायर होने पर एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाने वाला रेमन मैग्सेसे अवार्ड देकर भी सम्मानित किया गया। सेशन को उन्हीं के शब्दों ने समझा है तो सेशन ने एक बार कहा था कि वो एक पालघाट ब्राह्मण है। उनकी जाति के लोग ज्यादातर चार काम करते हुए पाए जाते हैं, या तो वो रसोइये होते हैं, या धोखेबाज, या पर सिविल सर्वेंट, और नहीं तो कुछ संगीतकार। सेशन मानते थे कि उनमें इन चारों के ही थोड़े थोड़े से गुण हैं। सेशन को एक अजीब शौक भी था, वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, फाउंटेन पेन्स और महंगी महंगी घड़ियां कलेक्ट किया करते थे, लेकिन उनका इस्तेमाल कभी नहीं किया करते थे। वो खुद एक साधारण वॉल पेन से लिखते थे, लेकिन जब कोई बच्चा उनके घर आता तो वो उसे एक फाउंटेन पेन गिफ्ट कर देते। इसके अलावा वो घड़ी भी साधारण सी पहनते थे, जबकि उनकी अलमारी में दुनिया की महंगी से महंगी घड़ियां रहती थी। ऐसे थे टीएन सेशन, भारत के 10वें और शायद सबसे ताकतवर इलेक्शन कमिश्नर। क्या आपको ऐसी किसी और ईमानदार सिविल सर्वेंट के बारे में मालूम है? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।